यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। माँ, एक ऐसा शब्द जो पूरी दुनिया को अपने आप में समाहित कर लेता है, भगवान की बनाई हुई एक ऐसी चीज जो जिसके सामने मुझे लगता है अगर कहीं ईश्वर है, कहीं ये दुनिया बनाने वाला वो भगवान है, वो परमेश्वर है, तो वो भी अपनी ही बनाई हुई इस चीज के सामने नतमस्तक होगा। माँ, एक शब्द में जैसे पूरी दुनिया समाहित है ना, मतलब माँ की बात आते ही हम सबके मन में कितने सारी किस्से, कितनी सारी कहानियां, कितना प्यार उमड़ पड़ता है ना। एक ऐसा संबंध जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, एक माँ और उसके बच्चे के बीच जो रिलेशन है उसकी क्या परिभाषा है। इतनी सारी भावनाएं एक साथ उमड़ती हैं जिसका कोई पैमाना नहीं, उसका कोई मापा नहीं जा सकता उसको, कि हाल के दिनों में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं या खबरें सामने आ रही हैं कहें तो। इसी वजह से मैंने आज ये सोचा कि हमें शायद अपनी अपनी माओं को याद करना चाहिए, अपनी माँ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहिए, करनी चाहिए, जो कि हम लोग आमतौर पर नहीं करते हैं क्योंकि हम बड़े हो गए ना, हमारे पास नौकरी है, पैसा, हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि अपनी माँ के बारे में अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपनी ऑफिस या किसी से बात कर सकें या खुद माँ से बात कर सकें। आपको एक घटना याद होगी, अभी से मुझे लगता है 2-3 हफ्ते या 1 महीने पहले की घटना है। गुजरात के राजकोट से एक खबर आती है कि एक बूढ़ी माँ जो पैरालाइज्ड है, उसको उसका बेटा छत से फेंकता है और जो बेटा छत से फेंकता है उसे उसकी माँ ने पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाया है। अभी 2 दिनों पहले की खबर में पढ़ रहा था, छत्तीसगढ़ में एक माँ जिसके 3 बेटे हैं, उस माँ को उसको उसके 3 बेटे एक घर में छोड़ के इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि वो बीमार है, वो लाचार है शरीर से। तो ऐसे ऐसे बेटे हैं और ऐसे बेटों के लिए माएं जाने कैसी कैसी कुर्बानियां दे देती हैं। जब मैं वो विजुअल देख रहा था राजकोट वाला, मैं न्यूज रूम में था, एकदम से खबर आती है और मैं जब वो देख रहा था राजकोट की खबर कि एक बेटा अपनी ही माँ को सीढ़ियों से ले जा रहा है, कि उसको फेंकने वाला है, मैं वो विजुअल जब जब मेरी आंखों के सामने आता है या जब जब उस चीज को मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कोई तो रोक लेता वो अनहोनी होने से। आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे भारत जैसे देश में जहां पारिवारिक मूल्यों का इतना महत्व तो है, जहां परिवार ही सब कुछ है, वहां एक माँ को एक बेटा छत से फेंक देता है। मुझे याद है कि बचपन की एक छोटी सी कहानी है, माँ मुझे, मैं मोहल्ले में किसी लड़के से लड़ता हूँ, घर वापस आता हूँ तो माँ मुझे मारती है। वो किचन में एक वो जो सब्जी चलाने वाला चम्मच जैसा कुछ होता है उससे मारती है और बहुत मारती है, मैं बहुत रोता हूँ। शाम को वही जो हम सब करते हैं कि माँ से रूठ जाता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन आधी रात को मेरे सर पे एक हाथ आता है, मेरे सर पे एक हाथ आता है और वो मुझे ऐसे सहला रहा होता है और माँ मेरी आंखों पे जैसे पानी जैसे कुछ गिरा मेरे चेहरे पे, मैं देखता हूँ माँ रो रही है। माँ मुझसे कहती है कि वो मेरा शर्ट ऊपर करती है और मेरे पीठ को सहला रही होती है क्योंकि वहां चोट के निशान होते हैं, कहती है कि प्रकाश बउआ लाओ इस पे तेल लगा देती है, दर्द कम हो जाएगा। वही मारती है, फिर वही सहला रही है उस चोट को।
और मैं तब भी नाराज हूं। आज जब वो चीज सोचता हूं, पता नहीं ऐसे कितने किस्से हैं, मेरे हैं, आपके भी होंगे, उसके भी होंगे जो अपनी माँ को छत से फेंक रहा है, उस बेटे के भी होंगे, तीनों बेटों के जो अपनी माँ को छोड़ के चले जाते हैं, उन तमाम बेटों के होंगे जो आज अपनी माँ से दूर हैं, ऐसे तमाम किस्से होंगे हम सबके। हम जिंदगी की चमक में इन ऊंची बिल्डिंगों, ऊंची लाइफस्टाइल के चक्कर में और लंबी गाड़ियों के चक्कर में ना इतनी आगे चले जाते हैं, इतना तेज भाग रहे हैं, इतनी तेज चल रहे हैं ना कि हमसे हमारी माँ जैसे लगता कहीं दूर छूटती जा रही है। और ये लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं उसमें ये सच है कि वो हमसे दूर होती जा रही है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वो उम्मीद है कि नहीं, मेरा बच्चा आएगा। जब हम यहाँ नौकरी, जॉब और पैसों की ललक में और लालसा में इधर अटके पड़े हैं, तो एक आंख है जो आज भी उन राहों पर टिकी पड़ी है कि शायद वो अब आएगा और कहेगा माँ। और उस साल के कुछ दिनों के चक्कर में वो औरत रोज उम्मीद बांधे खड़ी है, जबकि उसको पता है कि उसका बेटा आज नहीं आ रहा। एक ऐसा संबंध जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, एक ऐसा देश जहां माँ को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है, वहां ऐसी खबरें आ रही हैं कि बेटे ने माँ के साथ इस तरह की वारदात कर दी, अपनी माँ का कत्ल बेटा खुद ही कर रहा है। पता नहीं कि इन चीजों पे हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, हमें क्या समझना और सोचना चाहिए, लेकिन हम सबको ये तो जरूर सोचना पड़ेगा ना कि जिस जिंदगी की चाहत हम रखते हैं, जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं, और एक ऐसी कीमत चुका रहे हैं जिसकी कोई वापसी नहीं है, जो फिर वापस नहीं आने वाला है। हम इतने संकुचित क्यों हैं, हम इतने अजीब से क्यों होते जा रहे हैं, हम क्यों नहीं बचपन की तरह अपनी माँ की बाहों में जाके वैसे ही लेट सकते हैं, वैसे ही बैठ सकते हैं, हम क्यों नहीं अपनी माँ को अपनी परेशानी आज भी वैसे ही बता दें जैसे बचपन में कह दिया करते थे, मम्मी देखो चोट लग गई है। पता नहीं एक अजीब सी दूरी आ जाती है जब हम बड़े होने लगते हैं, माँ बेटे के संबंध में, बाप बेटे के संबंध में एक अजीब सी दूरी हो जाती है, हम अपनी बात अपनी ही माँ से नहीं कह पाते। वो माँ हमसे पूछती रहती है, लेकिन हम बड़े हो गए ना, हमें लगता हम बड़े हो गए, हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। वो कंधे जब कमजोर पड़ रहे होते हैं ना, वो तब भी हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब हम मजबूत हो रहे होते हैं और वो कंधे जिन्होंने हमें चलना, उठना, बैठना सिखाया है, खाना सिखाया है, उन कमजोर कंधों को जब इस मजबूत कंधे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हम उन तक नहीं जाते हैं, पता नहीं उनकी आवाज हम तक क्यों नहीं आती है, उनकी भावनाएं हम तक क्यों नहीं आती है, हम क्यों नहीं समझ पाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमने कौन सा उनको कहा था कि हमें भूख लगी है या हम खाना चाहते हैं। जिंदगी है, उम्र जब ढलती चली जाती है तो आदमी शारीरिक रूप से बहुत बार कमजोर पड़ता है, उसने भी तो हमारा जूठा उठाया है ना। इस दूरी को कम करने का वक्त बहुत कम होता है हम लोग के पास। जिंदगी कभी किसी को कोई दूसरा मौका नहीं देती है। अपने आप को इतना आगे मत ले जाइए कि आपके साथ के, आपके करीबी, आपके सगे संबंधी और आपकी माँ आपसे दूर हो जाए और वहां से फिर लौट कर आना मुश्किल हो जाए। हमारे समाज के कई हिस्सों में ये कहानियां आ रही हैं। इन कहानियों से बहुत प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, ये कहानियों से सीखिए कि हमें हमारी माँ के साथ कैसे रहना है। संबंध वही होना चाहिए जो माँ का बचपन में हमारे साथ था। उन्होंने हमेशा हमारे साथ खड़े रह के हमें खड़ा होकर चलना और भागना दौड़ना सिखाया है। कल को उनको हमारी जरूरत होगी तो उस समय हमें खड़े रहने की जरूरत होगी, न कि वैसे जो राजकोट और छत्तीसगढ़ में हुआ या कहीं और भी। समाज के हिस्सों में आपको भी 50 तरह की कहानियां मिलेंगी कि एक आदमी बहुत तरह से संपूर्ण है, सबल है,
बावजूद इसके वो अपने माँ बाप के साथ नहीं है। धन्यवाद।